नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मंत्री का विरोध, पुतला फूंका। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का पुतला दहन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हरीश रावत से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। वहीं हरीश रावत 2022 में पूरी भाजपा सरकार को वनवास भेजेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की एकजुटता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा इस तरह घबरा गई है कि अब वो हरीश रावत पर अमर्यादित टिप्पणी कर रही है, जिसे कांग्रेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। ये माननीय सुबोध उनियाल जी, जो कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार में, उनका पुतला दहन किया गया है। सुबोध उनियाल जी ने अभी बयान दिया था हाल ही में कि हरीश रावत राजनीति को छोड़ के संन्यास ले ले। मैं सुबोध उनियाल जी को चेतावनी देता हूँ कि मर्यादा में रह के बात करें। हरीश रावत 2022 में आप लोगों को वनवास भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग 5 साल के लिए वनवास जाओगे सारे भाजपाई मिलकर के, और आप मर्यादित भाषा को छोड़ के अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हरीश रावत जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराने रहे हैं भाजपाई, होश में आए भाजपाई। हरीश रावत जी जहाँ एक तरफ उत्तराखंड की जो उत्पाद है उनकी ब्रांडिंग में लगे हुए हैं और जनता के लगातार महंगाई के मुद्दों को उठा रहे हैं, वहीं हरीश रावत जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। अगर यही नहीं रुके तो हम इनके ऊपर एफआईआर करेंगे, इनको जेल भेजने की तैयारी। आपका नाम?